हेलो थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपकी मैथ की एक्सरसाइज 10.2 के सारे सम जो थे वो मैं करा चुकी थी। आज मैं आपको 10.3 के जो सम हैं वो कराऊंगी आपके एक्सरसाइज के। तो ध्यान से सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे, एक तो अपने बेटा आप बुक ओपन कर लीजिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है 10.3 में जो सम्स हैं वो बेटा हमारे एडिशन के हैं। ऐड तो आपको आती होगी, ऐड के हैं, मीटर और किलोमीटर के हैं, बट उनको कॉलम बना के हमें ऐड में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट है हमारा, देखो हम लिखेंगे बेटा मीटर एंड सेंटीमीटर, ये हम अपना राइट कर लेंगे। ये हमने राइट कर लिया। आप देखो मीटर के नीचे बेटा हमारा 38 दिया हुआ है, 38 मीटर एंड 79 सेंटीमीटर। ओके बेटा, 15 मीटर एंड 85 मीटर ये हमें दिया हुआ है, इनको हमें प्लस करना है। तो प्लस तो बेटा आपको आते होंगे क्योंकि आप केजी से ही प्लस करते आ रहे हो। और मैंने भी जब आपको स्टार्टिंग में वीडियो कराई थी, जब आपकी क्लासें ली थी स्टार्टिंग में, आपको ऐड करना बताया था। तो अब हम ऐड करते हैं, और मैंने आपको बताया था ऐड हम इस साइड से करेंगे ना कि हम इस साइड से। ओके बेटा, 9 और 5 को हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा बेटा, 14। यहाँ हमारा 14 आ गया, 1 ऊपर हमारी कैरी चली गई। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? 7 और 8 कितने होते बेटा, 15। और जो हमारी एक कैरी थी ऊपर, जो हमने कैरी लगाई हुई थी, तो 15 में हमने 1 प्लस किया तो हमारा क्या आया, 16। फिर ऊपर एक कैरी। ओके बेटा, 8 और 5 कितने होंगे बताओ, 8 और 5 बेटा होंगे 13, और 13 में हमने 1 प्लस किया तो हमारे कितने हो गए, 14। 14 को हमने यहाँ राइट किया और इसके ऊपर हमने 1 यहाँ पर राइट किया। ओके बेटा, 3 और 1 कितने होते हैं, 4। और जो ऊपर हमारी एक कैरी लगी हुई है, 4 में हमने 1 प्लस कर दिया तो कितना आया, 5। ओके बेटा, ऐसे तो आपको अपने ऐड करने, एक और कर लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर, बेटा देखो जिसके मीटर है उसके नीचे वही डिजिट जो हमारी मीटर में दी हुई है वो राइट करेंगे, और सेंटीमीटर में जो दिया हुआ है वो राइट करेंगे। अब देखो 47 मीटर दिया हुआ है और 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 38 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर, इनको हम प्लस करते हैं। प्लस करेंगे, 5 और 5 कितने होंगे बच्चों, 10। 10 और 1 कैरी, 4 और 5 कितने होते हैं, 9। 9 में और जो हमारी ऊपर कैरी है उसको प्लस किया तो 10 आ गया, 0। ये हमने यहाँ पर कैरी कर दिया, जो हमारी कैरी थी वो हमने यहाँ पर राइट कर दी। 7 और 5 15, और ऊपर जो 1 कैरी है तो हो गया हमारा 16। 16 का 6 यहाँ, 1 कैरी यहाँ। इज दैट क्लियर? 4 और 3 7, और बेटा जो ऊपर कैरी लगी है कैरी को भी हम ऐड करेंगे तो 7 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया, 8। तो ये हमारा आ गया 86 मीटर। ये तो बेटा हमारे मीटर के प्लस करने के थे। अब है हमारे किलोमीटर के, ऐसे ही हम ऊपर अपने कॉलम क्रिएट करके बनाएंगे किलोमीटर और मीटर, ठीक है बेटा? तो हमारा दिया हुआ है 318 किलोमीटर एंड 520 मीटर दिया हुआ है। नीचे हम देखेंगे 39 दिया हुआ है, तो 39 हम यहाँ पर राइट ना करके यहाँ से शुरू करेंगे 39, क्योंकि टू डिजिट दी हुई है 39 एंड 89। 89 यहाँ राइट नहीं करेंगे बेटा, लास्ट में इनको हमें प्लस करना है। प्लस करते हैं बेटा, लेट्स सी
9 को हम 0 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? मैंने आपको बताया था अगर हम किसी भी डिजिट को प्लस करते हैं तो हमारी जो डिजिट है वो सेम एज इट इज ऐसी ही आ जाती है। ओके बेटा, 8 और 2 10, 10 की 0, ऊपर 1 कैरी। अब 5 में हमने जो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको या तो हम 0 मान लेते हैं यहाँ पर। ओके बेटा, 5 और 1 6, 6 यहाँ कर दिया राइट। 9 और 8 17, 17 का यहाँ 7 और ऊपर जो हमारी 1 कैरी यहाँ पर आ गई। आप देखो 1 और 3 4 और जो ऊपर कैरी लगी हुई थी उसको भी हम प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा बेटा? 5। अब देखो 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 3 जो है वो हमारा एज इट इज ऐसा ही आ जाएगा। तो हमारा आया 357 किलोमीटर एंड 604 मीटर। ओके बेटा, ये तो हमारे प्लस के थे, मीटर और सेंटीमीटर का भी हम देख लेते हैं। वो हमने यहाँ पे कर दिया आपको 3 डिजिट वाले मीटर और सेंटीमीटर के। 65 मीटर एंड 36 सेंटीमीटर, 328 मीटर 45 सेंटीमीटर, 9 मीटर एंड 39 सेंटीमीटर, इनको हमें प्लस करना है। एक बात आपको बेटा याद रखनी है, देखो इसमें 2-2 डिजिट है। अगर यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर हम 3 करते हैं तो हम इधर से शुरू करेंगे ना कि हम इधर से। 8 आएगा, 2 आएगा, फिर 3। अब हमारी एक डिजिट थी बेटा, एक डिजिट 9 मीटर थी तो हमने इस साइड से शुरू किया ना, तो 9 मीटर यहाँ आ गए और 39 यहाँ पर आ गए। अब इनको हम प्लस करते हैं तो प्लस करेंगे बेटा, देखो 6 और 5, पहले 6 और 5 को प्लस करते हैं, कितने होंगे 6 और 5? 11। अब 11 में हमने 9 प्लस किया तो कितना आया बताओ? 20। 20 की हमारी क्या आएगी यहाँ पर? 0, और ये हमारा क्या होगा? 2 कैरी। 3 और 4 7, 7 में हमने 3 प्लस किया, 10 और 10 में हमने 2 प्लस किया तो क्या आया? 12। 12 का 2 यहाँ और ऊपर, ये नहीं कि हम 12 यहाँ लगा देंगे सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं बेटा हम ऐसे चल रहे हैं तो हम यहाँ पर कैरी लगाएंगे। ओके बेटा, आप देखो 8 और 5 और 8 कितने होते हैं? 13। 13 में हमने 9 प्लस किया, बताओ 9 और 3 12, 1 कैरी, 1 और 1 2, तो हमारा क्या आया बेटा बताओ? 13 में हमने जब 9 प्लस किया तो हमारा कितना आया? 22 आ गया, बट एक कैरी और है वहां पर तो हमने एक कैरी और प्लस की 22 में, तो क्या आया? 23, और ऊपर 2 हमारा यहाँ पर कैरी आ गई। अब देखो 6 और 2 बताओ, 6 और 2 कितने होंगे बेटा? 6 और 2 होते हैं 8, बट इसके नीचे कुछ भी नहीं है, या हमने 0 मान ली, इसके नीचे कुछ नहीं है और ऊपर 8 में हमने जो हमारी कैरी है उसको हम प्लस कर देंगे। 8 में 2 हमने प्लस किया तो कितना आया बेटा? 10, 1 ऊपर कैरी आ गई। तो 3 के नीचे भी कुछ नहीं है तो ऊपर 1 है, कैरी जो है 3 और 1 4, तो हमारा आया बेटा 403 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बेटा मैं सब्ट्रैक्ट के भी इसी में आपको बता देती हूँ, ये तो हमारे प्लस के हो गए, अब है हमारे सब्ट्रैक्ट के। सब्ट्रैक्ट के भी बेटा हमारे ऐसे ही होंगे, मीटर सेंटीमीटर। फर्स्ट हम मैं आपको बता रही हूँ, 56 मीटर एंड 64 सेंटीमीटर। ओके बेटा, 11 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर, ये हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब देखो बेटा सब्ट्रैक्ट भी आती होगी आपको, देखो मैंने जब से आपकी मैथ की वीडियो करानी, वीडियो मैथ का सब्जेक्ट लिया है, वीडियो शुरू किया है, तब से मैंने आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई के सम अच्छे से कराए थे। तो
तो आप देखते हैं 4 है ऊपर, नीचे 5 है, तो ये बेटा क्या नहीं हो सकता, नहीं जा सकता, क्योंकि 4 जो डिजिट है वो 5 से छोटा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको क्या बनाएंगे बेटा, 14। यहाँ से हमने एक कैरी जो है वो बोरो की, और जब हमने यहाँ से कैरी बोरो की तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 5। अब 14 में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया बेटा बताओ, आती होगी डिवाइड तो बताओ बच्चों, 9। कितना आया बेटा, 9। अब देखो 5 है ऊपर, 9 है, ये भी नहीं जा सकता, तो यहाँ से हमने एक कैरी बोरो की तो इसको हमने 15 बना लिया, और ये हमारा 5 यहाँ पे आ गया। अब 15 में से बेटा हमने 9 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 6। जब हमने यहाँ एक कैरी इससे बोरो की थी तो यहाँ हमारा 5 बच गया। 5 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 4। 5, अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यार 5 में से 1 को किया 4, तो हमारा आया 44 मीटर एंड 69 सेंटीमीटर। ऐसे ही बेटा किलोमीटर का होगा, देखो किलोमीटर और मीटर, ठीक है, तो हमने किलोमीटर में बेटा हमारा है 58 किलोमीटर 66 मीटर, तो 32 किलोमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा देखो 6 में से 8 तो नहीं जा सकता, तो इसको हम क्या बना लेंगे, 16। तो एक कैरी बोरो कहाँ से लेंगे, यहाँ से हमने एक कैरी ली, इसको 16 बना दिया, 16 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया बेटा बताओ, 8। अब यहाँ पे जो हमने ये कैरी बोरो की थी तो यहाँ पर हमारा 5 बच गया, तो 5 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया बेटा, 1। अब 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया बताओ 8 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 6। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, तो हमारा आया 26 किलोमीटर एंड 18 मीटर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मैंने आपके एक्सरसाइज 10.3 के एडिशन के और सब्ट्रैक्ट के सम कराए हैं, इसमें जो है आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी ना समझ में आए तो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।